हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज के वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम इन बोरिंग पुरानी कंट्रोल्स से इन नए कंट्रोल्स पे कैसे स्विच हो सकते हो, और उसी के साथ मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि तुम इस जॉयस्टिक को गायब कैसे कर सकते हो, और उसी के साथ इन सारे बटन्स के सेटिंग्स और फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा माइनक्राफ्ट का वर्जन अपडेटेड नहीं है देन अपडेटेड। ये नए कंट्रोल जो है ये रिलीज हुए थे माइनक्राफ्ट वर्जन 19.30 में। तो तुम्हारा माइनक्राफ्ट का वर्जन 19.30 पे नहीं है देन जस्ट अपडेट द गेम। सो इस वीडियो के लिए हम एक नया क्रिएटिव वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, बिकॉज वेल व्हाई नॉट। Alright, so first and foremost, अगर तुम इस छोटे से डॉट को देख सकते हो, it's actually showing my touches। का अभी मैं टच करूंगा स्क्रीन पे ये डॉट दिखाई देगा, so it's gonna be a bit more easier to see what I'm doing। So now let me show you how you can actually turn the new controls on। अगर तुम यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, टचेस में जाओगे, टच सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन यहाँ पे है which is enable new touch schemes। सो तुम्हें उसको ऑन करना है। तो अगर तुम उसको ऑन करते हो, यू हैव ए न्यू सेटिंग। सो यहाँ पे तीन सेटिंग्स है विच इज क्लासिक, टच एंड क्रॉस है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दिस आर फर्स्ट, और सेटिंग्स बाकी सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। द क्लासिक सेटिंग इज बेसिकली जस्ट द रेगुलर सेटिंग, मतलब पुराना कंट्रोल जो भी है, देयर इज नो डिफरेंस। सेकेंड वन इज क्रॉस है। ऑलराइट, सो मैं क्रॉस है को एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहले, बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन दिस, इस थर्ड टच कंट्रोल को एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी हो जाएगा। सो देयर वी गो, वी हैव द एक्चुअली डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं है, दिस इज द बेसिक लाइक प्रीसेट लोड आउट जो तुम्हें मिलेगा। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट ऑल ऑफ दिस इज। सो ये है तुम्हारा जॉयस्टिक, ऑफकोर्स ये अब चेंज हो चुका है, यू कैन जस्ट यूज इट लाइक अ जॉयस्टिक जो तुम किसी भी और गेम में कर सकते हो। Why is it square? मुझे पता नहीं है। So, secondly, यहाँ पे तुम्हें साइड में पांच बटन्स दिखाई देंगे, so let me just explain them, और उसी के साथ में उनके रिलेटेड सेटिंग्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, so it's gonna be a much more easier, I hope। और ये पोला बेस सीधा मेरे पीछे है, you can't kill me, get out। So, first and foremost है ये वाला बटन। ये वाला बटन बेसिकली सिर्फ भागने के लिए है, so yeah, that's basically what it is। अगर तुम इसको बंद, actually let me just switch over to third person back ताकि तुम सब कुछ देख सको। So this is a normal control जो मैं joystick से use कर रहा हूँ, so इसकी वजह से तुम्हारा character walk कर रहा है। Now if I do this, the character starts running। Alright, related setting to the run button। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक related setting है इस button से related setting, which is sprint on movement। So अगर तुम इसको on करते हो तो तुम्हारा स्प्रिंट बटन जो है ये गायब हो जाएगा, इट्स गॉन। लेकिन क्यों, यहाँ पे एक नया सेटिंग है। सो इफ़ यू एक्चुअली लेट मी जस्ट मेक अ सेटिंग जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा कि मेरा कैरेक्टर भाग रहा है। ऑलराइट, नाउ आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी द FOV जूमिंग इन। ओके, ऑलराइट, सो अगर तुम्हारे जॉयस्टिक को थोड़ा सा मूव करोगे, योर कैरेक्टर इज गोइंग टू मूव रियली स्लोली। लेकिन जब तुम इसको ऐसे ज़्यादा मूव करोगे अवे फ्रॉम द सेंटर, तुम्हारा कैरेक्टर भागना शुरू कर दे। सो लुक स्लो, जस्ट वॉकिंग, एंड नाउ दिस इज फास्ट। डू यू नो हाउ फास्ट आई एम? नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट होने वाला है द जंप बटन। ये जो अप एरो तुम्हें दिखाई दे रहा है, होल्ड अप, एक्चुअली थिंक मैंने एक सेटिंग को खराब कर दिया है। व्हाट इज द, नो ओपेसिटी 100% पे ही है। ओके, नेवर माइंड। सो ये वाला बटन जो है, दिस इज योर जंप बटन, तुम्हारा कैरेक्टर जंप करे, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज। और इस जंप बटन के रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग है विच इज ऑटो जंप। ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर सेटिंग फॉर द जंप बटन। तो अगर ऑटो जंप तुम ऑन करोगे तो तुम्हें कुछ भी टैप नहीं करना पड़ेगा, यू विल जस्ट जंप ऑटोमेटिकली। द नेक्स्ट बटन इज द क्राउच बटन। देखो तुम्हारा कैरेक्टर ऐसे नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो या दैट्स ऑल देयर इज, ये एक क्राउच बटन है, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास एक शील्ड है और अगर तुम इसको दबाओगे तो तुम्हारा कैरेक्टर शील्ड होल्ड करेगा, सो या दैट्स ऑल द थिंग्स इट डज। सो इसके रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग है ओवर हियर विच इज टॉगल क्राउच। ये डिफॉल्ट ऑन रहता है, अगर तुम इसको ऑफ करोगे तो तुम्हें इस क्राउच बटन को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही तुम इस क्राउच बटन को होल्ड करोगे, योर कैरेक्टर इज गोना क्राउच,
जैसे तुम इस बटन को छोड़ोगे तुम्हारा कैरेक्टर उठ जाएगा, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू टैप इट, यू जस्ट हैव टू होल्ड इट। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट होने वाले हैं ये बटन्स, द स्वॉर्ड एंड द क्रॉस हेयर। सो ये दोनों जो बटन्स हैं ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन्स हैं अगर तुम इस लोड आउट को यूज़ करना चाहते हो। सो एज विथ एक्चुअली लेट मी जस्ट गो टू क्लासिक सेटिंग्स। अगर तुम्हारे क्लासिक सेटिंग्स पे जाओगे तो तुम्हें एक ब्लॉक, ओके होल्ड अप, एक्चुअली अगर तुम्हें ब्लॉक्स प्लेस करने हैं यू जस्ट सिंगल टैप एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, और अगर तुम ब्लॉक्स को तोड़ना चाहते हो देन यू जस्ट प्रेस एंड होल्ड। लेकिन इन नए कंट्रोल्स में ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो चुकी हैं। सो इफ़ यू टैप एनीवेयर ऑन द स्क्रीन ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। बट इफ़ यू टैप राइट ऑन द क्रॉस हेयर बटन तुम्हारा कैरेक्टर ब्लॉक्स प्लेस करता है। और इसी के साथ इस क्रॉस हेयर के साथ और एक इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज दिस, यू जस्ट हैव टू होल्ड और तुम्हारा कैरेक्टर ये करेगा। ओके दैट्स वियर्ड, अगर मैं मूव भी करूँ देन लाइक, तो अगर तुम कुछ भी बिल्ड करना चाहते हो देन यू कैन जस्ट प्रेस एंड होल्ड, और अगर तुम्हें ब्लॉक्स ब्रेक करने हैं देन यू प्रेस दिस बटन। एंड बाय द वे ये नए कंट्रोल्स जो हैं ये क्रिएटिव मोड के लिए बहुत एडवांटेजेस है, बिकॉज अगर अगर तुमने क्रिएटिव मोड खेला है देन यू नो एवरी ब्लॉक बेसिकली ब्रेक्स इंस्टेंटली। लेकिन इसके साथ एडवांटेज ये है कि तुम कहाँ भी तुम्हारा क्रॉस हेयर लेके जाओ इट डजंट रियली मैटर, यू हैव टू प्रेस राइट ऑन द स्वॉर्ड टू ब्रेक द ब्लॉक्स। एंड बाय द वे क्रॉस हेयर बटन जो है ये कुछ और चीज़ों के लिए भी काम आता है, किसी भी चीज़ के साथ अगर तुम इंटरेक्ट करना चाहते हो दिस इज द बटन। फॉर एग्जाम्पल चेस, फर्नेसेस, या फिर अगर तुम बेड पे भी सोना चाहते हो यू हैव टू प्रेस दिस बटन, बेड इज टू फार अवे, नेवर माइंड। और अगर तुम विलेजर्स या फिर किसी भी मॉब्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो दैट इज लाइक काउस एंड शीप्स, अगर तुम तुम्हें फीड करना चाहते हो देन यू आल्सो हैव टू प्रेस दिस बटन। और इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम इनको एक्सीडेंटली मार नहीं पाओगे, एज यू कैन सी द स्ट्रे इज नॉट गेटिंग हिट एज सून एज आई प्ले आई मीन प्रेस ऑन दिस, तो इसकी वजह से तुम एक्सीडेंटली तुम्हारे मॉब्स को मार नहीं डालोगे। और उसी के साथ ये स्वॉर्ड बटन जो है ये कुछ चीज़ों के लिए काम आता है, ऑफकोर्स ब्रेकिंग ब्लॉक्स इज वन ऑफ देम। सेकेंडली काम आएगा इसके लिए, हाँ अगर तुम किसी भी मॉब्स को मारना चाहते हो दिस इज द बटन। सो बेसिकली मैंने इन दोनों बटन्स को ऑलमोस्ट एक साथ लाइक एक्सप्लेन कर दिया है, बट देर आर एक्चुअली नो अदर सेटिंग्स रिलेटेड टू दीज टू बटन्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द जॉयस्टिक। सो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फाइनली कि तुम इस जॉयस्टिक को गायब कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, सो द टू सेटिंग्स यू आर लुकिंग फॉर इज जॉयस्टिक मूव जॉयस्टिक विजिबल और मूव जॉयस्टिक ऑलवेज व्हेन नॉट यूज्ड। अगर तुम इन दोनों को बंद कर दोगे तो तुम्हारा जॉयस्टिक गायब हो जाएगा। Wow! लेकिन तुम्हारा जॉयस्टिक कहीं भी नहीं गया है, इट्स जस्ट इनविजिबल, दैट्स इट। सो बेसिकली ये करता क्या है, तुम्हारा राइट हाफ का स्क्रीन जो है दिस इज टू एक्चुअली पैन अराउंड योर कैमरा। लेकिन बाय द वे पे अटेंशन टू द डॉट, अगर तुम्हारे लेफ्ट साइड के स्क्रीन को टच करोगे देन यू आर गोना मूव। एंड बाय द वे स्प्रिंट ऑन मूवमेंट सेटिंग जो है ये भी इसके साथ काम करेगा। सो इफ आई जस्ट मूव राइट लाइक दिस द कैरेक्टर जस्ट वॉक्स, और अगर तुम इसको इतना आगे लेके जाओगे देन योर कैरेक्टर स्टार्ट्स टू रन। सो या दैट्स हाउ यू मेक योर जॉयस्टिक इनविजिबल। मुझे पता है मैं भूल ही गया था कि टच कंट्रोल्स क्या है, दिस आर नथिंग एक्सेप्ट क्लासिक और क्रॉस हेयर कंट्रोल्स के मिक्स के साथ है, दैट्स इट। सो यू स्टिल गेट द इनविजिबल जॉयस्टिक, तुम्हें ये जंप और क्राउच बटन्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर तुम ब्लॉक्स प्लेस करना चाहते हो देन यू कैन डू इट जस्ट लाइक इन द क्लासिक कंट्रोल्स, और तुम्हें अगर ब्लॉक्स ब्रेक करने हैं देन यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड, दैट्स ऑल इट डज। और इसी के लिए मैंने इसके लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस न्यू कंट्रोल्स। सो इनके साथ कंट्रोल्स के साथ एडवांटेजेस क्या है, यू कैन बेसिकली जस्ट वेल यूज़ अ फोर फिंगर क्लॉ, आई मीन थ्री फिंगर्स एक्चुअली, फोर फिंगर नहीं हो सकता, बट यू कैन यूज़ अ थ्री फिंगर क्लॉ अगर तुम इसके साथ खेलना चाहते हो तो। सेकेंडली सर्वाइवल हो या फिर क्रिएटिव, तुम एक्सीडेंटली कोई भी ब्लॉक ब्रेक नहीं करोगे, एक्सीडेंटली किसी भी मॉब को हिट नहीं करोगे। और सर्वाइवल में भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, तुम
एक्सीडेंटली किसी भी विलेजर को मार नहीं दोगे जिसकी वजह से आयरन गोलम्स तुम्हारी बैंड बचा देंगे. दैट्स नेवर गोना हैपन फ्रॉम दिस. और इसी के साथ मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि तुम इन कंट्रोल्स के साथ स्पीड ब्रिजिंग कर सकते हो, विच इज एक्चुअली रियली कूल. लेकिन ऑफकोर्स मुझे स्पीड ब्रिजिंग नहीं आता है, आई विल स्टिल हैव टू लर्न दैट. लेकिन उसी के साथ देर इज अनदर एडवांटेज. एक्चुअली लेट मी जस्ट गिव माय शील्ड. अगर तुम्हें इनके साथ क्राउच करना है देन यू विल हैव टू प्रेस इट ट्वाइस, एंड अगर तुम्हें जंप करना है तो तुम इस बटन को होल्ड नहीं कर सकते. वेयर एज इन क्रॉस है यू कैन जस्ट स्टार्ट रनिंग एंड जस्ट wrong button. Whereas in cross है तुम भागना शुरू कर सकते हो and you can just hold the jump button and you will automatically jump. So yeah, that's one advantage. और of course crouch के लिए तुम्हें सिर्फ एक बार tap करना है, you don't have to tap like twice. So उसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा fast हो जाता है. Alright, so let's talk about the disadvantages. जहाँ तक मुझे पता है इन controls के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही disadvantage है और वो है कि इसका जॉयस्टिक जो है वो इतना प्रिसाइज नहीं है. नॉट एज प्रिसाइज एट द क्लासिक कंट्रोल्स. क्लासिक कंट्रोल्स के साथ ओके लेट मी जस्ट स्विच ओवर टू देम. मुझे ये करने की आदत है सो आई जस्ट लाइक मूव एंड आई कैन जस्ट प्लेस लाइक अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स. और ये बिल्डिंग में मुझे बहुत आसानी लगती है. और क्लासिक कंट्रोल्स के जॉयस्टिक के साथ तुम्हें ऐसे मूव नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू लाइक टैप. सो ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगता है. सो इफ़ यू डू दिस इट्स मच मोर फास्टर. एटलीस्ट मुझे लगा कि ये ज़्यादा फास्ट है. बट इफ आई गो टू क्रॉस है और अगर मैं इसको ऐसे लाइक करने की कोशिश करूँ ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे. आई डोंट नो वाई इट इज बट इट्स अ बिट मोर डिफिकल्ट. सो या दिस वॉज एवरी थिंग यू नीड टू नो अबाउट द न्यू कंट्रोल सेटिंग्स. आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है. अगर तुम्हें लगा कि मैंने कुछ भी मिस किया है या फिर तुम्हारे पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं देन कमेंट डाउन बिलो. और उसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब. और उसी के साथ कुछ और वीडियोस हैं माइनक्राफ्ट के जो स्क्रीन पे हैं, चेक देम आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.